हेलो दोस्तों, पीवीपी चैनल में आपका स्वागत है। अमित भाई राम राम। राम राम जी, और सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। जो आप अपना इतना प्यार देते हो, मान सम्मान देते हो, सपोर्ट देते हो, सहयोग देते हो, थैंक यू वेरी मच। मैं लव यू, मैं नियर डियर, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और भाई को भी सपोर्ट करना। भाई नया चैनल लगाया है, लगभग 4000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए भाई के। और खास बात यह, अपना भाई कॉलेज में पढ़िया करता, उसे कॉलेज में मैं पढ़िया करता राजीव गांधी में, जो नरवाना वाला है, और इसमें भाई पढ़िया करता और बहुत होशियार था। और भाई बड़ा सेंसिबल बंदा है यार शुरू से। और कॉलेज के जो लड़के थे, लड़कियां थी, मास्टर थे, सारे ने बहुत प्यार दिया है यार, और सबका धन्यवाद है। तो अमित भाई नो बताइए, जिस प्रकार से आप एक कॉलेज लाइफ में पढ़िया करते, तो उस टाइम आपके जो है 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे लगभग। तो आपने मेरा, जैसे आपका चैनल मेरा चैनल मेरा फ़ोन में तो सब्सक्राइब कराया हुआ है, तो नो बताओ आपने इतना छोटा से शून्य से लेकर शिखर तक सफ़र कैसे किया? मैं देखो, आप सभी भाइयों में प्यार प्रेम है भाई। कॉलेज में मतलब कोई फंक्शन होएगा तो सब ताग रहे कर दिया भाई, बड़ा सपोर्ट मिला भाई सबका। और कॉलेज से उठे हुए सही माने नाम देखा तो कुरुक्षेत्र फंक्शन होया अपना, कोई पार्क में फंक्शन होया करता, कोई देशभक्ति का, सभी जगह भाग लिया कर दे, बढ़ चढ़ गए, उठता प्यार मिला, धीरे धीरे मेहनत कर दे गए। कई साल लागे हैं भाई, देखो एकदम कोई नहीं उठता। वीडियो बनाई देश बिना की, 11 से करीब वीडियो तो मैंने कैट रखी है, और उनमें 100 वीडियो तो ऐसी थी जो 1 मिलियन क्रॉस थी भाई। और काम करते गए, बनाते गए, कंपटीशन कम था और उस टाइम 2018 के अंदर, और ईब अपने कंपटीशन भाई अपने बढ़ता गया, लेकिन ईब भी गिने चुने बंदे हैं कुल मिलाएगा देखा तो, लेकिन स्कोप बहुत, ऐसी बात नहीं। अच्छा अमित भाई नू बता, जिस शुरू में जिस तरह आपका जो चैनल बनाया था अपना, शुरू में कितने व्यू आते थे आपके चैनल पर? शुरू में 20-30-50-100-200 बस ये व्यूज आते थे भाई। मेहनत करते गए, 200-400 हो गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, सारी उम्र एक सा ग्राफ नहीं रहता, एक टाइम ही आया था बूम पे, हर रोज के लाखों में व्यूज आए करते, फिर कभी 10,000 आए, 20,000 आए, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहो, लेकिन आप काम करते रहो, कंटिन्यूटी जरूरी है। तो नो और बताओ अमित भाई, जिस प्रकार से कई यूट्यूबर जैसे वीडियो बनाते हैं, तो उनको एक दिन में कितनी वीडियो डालनी चाहिए? भाई जी, कंटेंट पे डिपेंड करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वीडियो होनी चाहिए। यदि आप नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हो तो महीना में 1 या 2 वीडियो भी बहुत हैं। यदि आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो रोज की भी डाल सको, चाहे थोड़ा सा मीडियम काम, फिर हफ्ता में 2 भी रख सको। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ अगर ज़्यादा बढ़िया वीडियो बनानी हो तो हफ्ता में 1 या 2 वीडियो डाल सकते हैं? हफ्ता में भाई देखो, जब बढ़िया बनावेगा तो खुद ही तना ऑब्जर्व हो जाएगा भाई, हफ्ता में 1 या 2 ही बनाएगी खींच का, 2 तो बनती भी कौन है, 1 ही मसा बनाएगी। अच्छा मैं तो भाई, शादी शुदी हो गया आपकी? शादी नहीं होती भाई, शादी बताऊँ क्या है कि वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा यार, बिछल रहे हैं आनुआ रिश्ते आ लिए बीजू का, 3 दिन में 2 रिश्ते आ लिए मेरे, ठीक है, पर कड़ियाँ गोत मिल जाए है, कड़िया हूँ विचार नहीं मिलते, मतलब कई तरह की चीज़ हो जाए हैं, लेकिन वो सिस्टम बन दे रहा, लेकिन वो बात चल रही है, रिश्ते की बात जोरों शोरों से चल रही है, कई जगह चल रही है। तो अमित भाई कोई अपनी जो है गर्लफ्रेंड बनी है 5-6 सालों में? भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं अपनी, क्योंकि अपनी सोच इसी रही है कि भाई अपना काम तो मतलब है। देखो बोल चाल तो बहुत थी लड़कियां गला जो कॉलेज में थी, हूँ भी मतलब बहुत बोल चाल हो रही है यार, हूँ भी मतलब आज वीडियो देखा आजकल बहुत, मतलब खुद मतलब मैसेज करते हैं कई जने तो लव यू, लव यू का मतलब ये नहीं है किसी ने लव यू बोल दिया मतलब कि भाई उसको नेगेटिविटी में ले, पॉजिटिविटी में ले, आप भी तो यार दोस्ती में कह दिया लव यू है भाई तेने, तो अभी तो कैसे लव यू है, लव यू एज ए रिस्पेक्ट बोल लिया था है, लेकिन आप उसको नेगेटिविटी में हुआ तो तेरे तो प्यार करो है, सेंटी हो जाए है, पागल हो जाए हैं, दिन रात बतलाने लायक जाए, वो चीज़ नहीं होती, लव यू लिखा है और फिर उसका थैंक यू कर दिया बस, तो सारे लव यू में अपने तो, लेकिन समझने की बात हो सारी। तो दोस्तों अमित भाई का कहना है कि अब जब हम किसी लड़की को आई लव यू बोलते हैं, लव यू बोलते हैं, वो एज ए फ्रेंड भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उससे जो है कोई नेगेटिविटी ही आप दिमाग में लेकर चलो, आप भी शो करो, आप भी मेहनत करो अपनी फील्ड में, यूट्यूब की लाइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जो भी काम करो, क्रिएटर बनो अच्छे। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया तो चला गया, और अभी जैसे आज मैसेज भी आ रहा है 6200 करोड़ का योगदान दिया है 2020 में क्रिएटर ने भारत की अर्थव्यवस्था में, बहुत बड़ी बात। तो अमित भाई हमारे दर्शकों ने नहीं, जो आप डायलॉग सुनाते हो जिससे हम आपके फैन हैं, तो वो 1-2 डायलॉग सुना के दिखाई दो। पुराने डायलॉग थे अपने भाई ये, अंडी मंडी संडी पत्ता साफ नंबर डिलीट, अरे इंग्लैंड में भाई कई शब्द जो आपने लिखे हुए ना वो मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित हुए हैं, पात्र काल्पनिक हो उनके, लेकिन घटनाएं सच्ची हुए हैं भाई, किसी के गलत बनी हुई है कदन कदे, मतलब किसी को धोखा मिला हो, कुछ बात हुई हो, मतलब आपने कह दिया नंबर फेंक दिया तेरा इंग्लैंड में, मतलब आपने वो शब्द थोड़ा एक ट्विस्ट एबल बन जाए शब्द, तो बाकी नुआ भाई डायलॉग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इवन नुआ थोड़े थक रहे हैं, बाकी पहला भी अपना जुगर वो हो गया था नहीं, अब पहला इंटरव्यू करे आवाज़ को नहीं आई भाई इसमें कर रहे थोड़ा बार बार शब्द लिख दे को नहीं भाई क्या बात है। तो दोस्तों पहला जो इंटरव्यू बना था उसमें आवाज़ नहीं निकली, लेकिन दोबारा इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, अच्छा इंटरव्यू हो गया भाई, ने सपोर्ट करो भाई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हरियाणा। जय हरियाणा भाई।